शुरुआत से देखो, कांग्रेस पार्टी कभी भी देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, कोहेसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कभी भी उनका योगदान नहीं है, तो 10 वर्ष से है। इससे पहले 6 वर्ष माननीय प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। क्या है देश में ऐसे तो कांग्रेस के कालखंड से ज्यादा शांति से रहा है। बिहार में, बिहार से लेके भागलपुर का जो दंगा हुआ था वो लेके सभी दंगा जो हुआ है, कांग्रेस मेजर दंगा इस देश में वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में हुआ है। कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं चाहता है हिंदू मुस्लिम एकत्र होकर देश आगे बढ़े। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट पॉलिसी के कारण जो अपीजमेंट करता है उनको ही सपोर्ट करता है, इसीलिए एससीपीआई जैसे देश देव पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे बोले तो कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस को बताना चाहिए। अमित शाह जी कल बेंगलुरु आए हुए थे, तो क्या परिस्थिति है? नहीं, हमने बहुत अवलोकन किया है, स्ट्रैटेजी वर्कआउट किया है, वो सब स्ट्रैटेजी तो बाहर नहीं बोल सकते, हम डिटेल में सब मिलकर बातचीत किया है। हम 28 of 28 हम सीट कैसे जीते इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हुआ है, उसके लिए स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं। सर एनडीआरएफ को लेकर, एनडीआरएफ रिलीफ को लेकर काफी सारी, ये तो मैंने कहा हूँ, बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है। हमने 3 लाख रुपए का बजट है, आप पहले क्यों आप ड्रॉट रिलीफ ठीक तरह से पहुंचा नहीं रहे ये बताओ, बाद में बाकी चर्चा करेंगे।